युद्ध के मैदान में हमको अपनी खुशी बना के रखनी है, तो हार के नहीं आना है, कमजोरियों से, अवगुणों से, नेगेटिविटी से, लेकिन उसको जीतना है। जिस दिन आपने अपने क्रोध को जीता होगा, उस दिन खुशी होती है या नहीं? सच्ची बताओ। हैं, जो मतलब कोई है, क्रोध कर दिया आपको, आपके सामने इंसल्ट कर दी, और आपने अंदर नहीं लिया, साक्षी होकर के ये सीन को चला दिया, अंदर नहीं लिया दुख है, और किसी ने क्रोध किया और आपने उसको जवाब वापस नहीं दिया, आपको दुख होता है या खुशी होती है? सच्ची बताओ। या आप सोचते हो मन में, दो सुना के आ जाता मैं भी, है नहीं। यदि हम अपने स्वमान में रहते हैं, वो जो सीन था, हाँ, वो उसको हमने पार कर लिया अपने स्वमान से, तो हमको खुशी देगा, क्योंकि हमने जीत लिया है या नहीं। यदि हम नीचे आ गए, हाँ, आ गई आर्ग्यूमेंट में आ गए, एक दूसरे के साथ आमना सामना हो गया, तो खुशी गायब हो गई। खुशी बनानी है हमको, कोई देगा नहीं, हमको अपनी खुशी बनानी है। खुशी बनाने के लिए धारणा वाली बातें हैं जो हमको मदद करती है हमारे जीवन में। तो खुशी हमारी एक खुराक भी है। तो खुराक को कितने बजे खाना होता है? सुबह उठ करके खाते हैं ना लोग, अच्छी अच्छी चीज खाते हैं ताकि सारा दिन उनका अच्छा रहे। तो अच्छे अच्छे विचार खुशी के हम सुबह अमृत वेला बाबा के साथ बैठकर अपने भाग्य का इमर्ज करें कि मुझे बाबा ने कौन सा भाग्य दिया। ये हमको एक कला बाबा सिखा रहा है, क्योंकि दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है। हाँ, ये तो बाबा का रहम है हम सब पर, मेहरबानी है बाबा की हम सब पर, हाँ, कि बाबा दे रहा है, ये कितना रहम दिल है बाबा, है या नहीं? तो वो बाबा हमको खुले दिल से दे रहा है अभी हमारा भाग्य, खुशी का भाग्य। तो वो खुशी का भाग्य है कि अपने भाग्य का सिमरण करना। तो तीन बातें सोचो, अपने भाग्य में क्या-क्या मिली है बाबा से, तीन बातें, जब से हम ब्राह्मण बने हैं। जीवन में कुछ आया तो होगा या नहीं आया? आता है ना जीवन में, संबंधों में अच्छा सुधार आया होगा, जिस घर में रोज लड़ाई होती थी अभी वहां पर खुशी है। दूसरा, जो हम सुस्ती करते थे, अभी अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा कमाते हैं, तो धन भी आएगा। देखो बाबा कितना रहम दिल है, नहीं तो माया कैसे आकर के हमारी खुशी चुरा ले जाती। फिर बाबा हमको उमंग भरता है। तो सारे योगी जीवन का आधार यही है कि हमको अपनी मेहनत करके वो खुशी बनानी है, तो अपने को उमंग में रखना। तीसरी बात है हमारी खुशी की, वो है हमारी बुद्धि जो है वो कहाँ ना जाए, एक बाबा में रहे। बहुत लोग हैं खींचेंगे आपको, मालूम नहीं कौन कौन से कैसे कैसे संस्कार हैं, बैग बैगेज लेके आए हुए हैं लोग हैं, लेकिन हमको कहाँ जाना है? एक ही है, वो है बाबा। तो हमारा अटेंशन बाबा की तरफ जाएगा, तो उससे जो हमको वाइब्रेशंस आते रहेंगे वो खुशी के होंगे, क्योंकि बाबा तो खुशी का सागर है। बाबा को तो हमने कभी नहीं देखा, जब बाबा अव्यक्त बाप दादा आते थे, इतने 25,000 लोग होते हैं यहाँ पर, है कोई ऊंचा बोल रहा होगा, कुछ कैसे कर रहा होगा, बाबा कितना स्थिर, हाँ, एकदम बाबा देख रहे हैं सीन को, साक्षी होकर के, लेकिन इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। तो इसलिए बाबा हमको खुशी दे सकता है। यदि हम किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस में, तो हमको हमारी खुशी खत्म हो जाती है। तो शिव बाबा जो हैं वो है खुशी का सागर। तो सागर से क्या मिलता है? जब लोग सागर के नीचे जाते हैं, उनसे क्या मिलता है?
रतन, बाबा तो ज्ञान का रतन देते हैं, तो उस बाबा है ज्ञान का सागर, खुशी का सागर, तो उसके अंदर जाएंगे, बाबा को समझेंगे हम, तो हमको उसकी समझ आती जाएगी कि बाबा कैसे करते हैं ये काम, इतनी दुनिया का परिवर्तन करना। हाँ, हम सबको कैसे बाबा टच कर रहा है, दिखाई भी नहीं देता इन आंखों से, कैसे बाबा सूक्ष्म उसके वाइब्रेशंस हमको आते हैं, होता है या नहीं? आप देखो जो भी इंटरनेट है ये सब मालूम थोड़ी पड़ता है, आप जहाँ ईमेल भेज रहे हो वो कैसे जा रहा है, हैं, वो सेम फ्रीक्वेंसी उसको पिकअप करती है ना। तो ऐसे ही हमारे जितने पॉजिटिव थॉट्स हैं तो बाबा की फ्रीक्वेंसी से उससे कनेक्ट करते हैं, यदि नेगेटिव होंगे तो इस दुनिया से कनेक्ट करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा ही अपने अंदर इतना सागर बन जाओ, मास्टर सागर पॉजिटिविटी का,